Hey, what is up guys, this is Manish and I'm back with a brand new video on the channel. And guys, मैं आज एक कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहा हूँ अपने चैनल पे, एक नई सीरीज़ आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इंस्टाग्राम से रिलेटेड, और मैं आपको ऐसा न्यूज़ टाइप में बताऊँगा कि हम लोग ना मतलब क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम के बारे में कि कौन सेलिब्रिटीज़ वगैरह, मतलब सारी चीज़ें आप लोगों को इंस्टाग्राम से रिलेटेड इस चैनल पे मिलने वाली है. आप मेरी अदर भी इंस्टाग्राम की वीडियोज़ देख सकते हैं. तो आज के इस टॉपिक पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जो इंडियन जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है इंस्टाग्राम के, मतलब कि जो लोग एक इंस्टाग्राम से इतना पैसा कमाते हैं कि आप सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे. मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ही नहीं, वो स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं. हम विराट कोहली की भी बात करने वाले हैं कि वो एक पोस्ट पर कितना अर्न करते हैं. गाइस, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब मैं इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा था तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि यार एक पोस्ट का, जस्ट एक पोस्ट का जो हम लोग रेगुलर करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो सिर्फ एक पोस्ट का इतना चार्ज करते हैं गाइस, जितना कि यार हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें इनके बारे में बताने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये गूगल के डेटाबेस के हिसाब से सारी चीज़ें, मैं उनसे डायरेक्ट पूछने तो गया नहीं था कि भाई आप इतना लेते हो या फिर मैम आप इतना लेते हो. तो यार ये जो भी है पूरा गूगल का डेटाबेस है यहाँ पे, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी से पर्सनली गया हूँ और पता नहीं मौका मिलेगा कि भी नहीं जीवन में मिलने का. तो ये चीज़ें अलग हो जाती हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पर सारी रिसर्च करी है थोड़ी बहुत, मतलब क्वेरा वगैरह जो बोलते हैं उसको, आई डोंट नो क्या बोलते हैं. तो ये सारी जगह पे मैं गया हूँ एंड चेक करी है सारी जो टॉप वेबसाइट्स हैं उन पर, पता करा है कितना क्या चार्ज करते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा इंडिया में फॉलोअर्स किसके हैं. तो ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ आपको पता होगी कि जो प्रियंका चोपड़ा हैं उनके सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है समथिंग, मैंने अभी चेक नहीं करे, पर 46 मिलियंस के आसपास हैं. और फिर और भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब सेकेंड पे कोई और है, मतलब शायद आलिया भट्ट, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग हैं आगे पीछे होते रहते हैं, मतलब सबका क्या फॉलोअर कम ज़्यादा होते रहते हैं. तो फर्स्ट पर अगर मैं हाईएस्ट पेइंग की बात यहाँ पे फॉलोअर्स की नहीं कर रहा हूँ, मैं हाईएस्ट पेइंग की कर रहा हूँ, तो देखा जाए तो टॉप टू हैं जिनको मैंने अभी तक देखा है. सबसे ज़्यादा प्रियंका चोपड़ा को पैसे मिलते हैं, मतलब मिलता है एक पोस्ट का, एंड सेकंड पे हमारे हैं विराट कोहली. तो मैं आप इन दोनों का आपको बताता हूँ. तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेट यहाँ पे मैंने पता करा है, तो जो प्रियंका चोपड़ा को पर पोस्ट मिल जाता है $270,000 के आसपास. आप इसको इंडियन करेंसी में कर सकते हैं कन्वर्ट कितना होता है, तो लगभग ये हो जाता है मेरे हिसाब से एक दो करोड़ के आसपास, इतना मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैंने देखा था. तो वहाँ पर इनको मिनिमम ये जो मतलब प्रियंका चोपड़ा चार्ज करती हैं वो 150-200 करोड़ के आसपास उनका एक पोस्ट होता है. और विराट कोहली का मैं आपको लगभग बताता हूँ, विराट कोहली का तो सभी को पता है बेसिकली, वो करते हैं 1,35,00,000 के आसपास पर पोस्ट का एक चार्ज. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग करते हैं क्या, जस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने कभी नोटिस करा होगा ये क्या करते हैं. जैसे किसी भी ब्रांड, आपका एक कोई ब्रांड है, मेरा या आपका कोई एक ब्रांड है पर्सनल की भाई मैंने कोई सी कोल्ड ड्रिंक बनाई और उसका जस्ट आप लोगों को प्रमोशन करवाना, आप इनके पास गए तो ये 1,35,00,000 का चार्ज करेंगे और जस्ट वो लोग क्या करेंगे, पीते हुए ड्रिंक एंड आपका एक फोटो अपलोड करेंगे, उसका इतना ये लोग चार्ज करते हैं. तो गाइज आप लोग सोच सकते हैं कि इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया है कि भाई फेसबुक पेज पे भी इतना नहीं लोग दे रहे हैं, पता आपको, जस्ट इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम सबको पता है कि यूथ चलाती है इंडिया की. तो यार इंस्टाग्राम की आप लोग पावर समझ सकते हैं, आप लोग भी इंस्टाग्राम पे, अब हम लोग इतना आगे, हम लोग देखो अब अपने हिसाब से होप तो नहीं छोड़नी चाहिए कि हम लोग नहीं जा सकते, बट फिर भी यार देखते हैं तो इंस्टाग्राम एक बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया है, इसीलिए तुम्हारा भाई उस पर वीडियो बनाता है. तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी अदर इंडिया इंस्टाग्राम की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं. होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, मैं इसे ये चीज़ बोल चुका हूँ, तो लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना. मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू.